किया है वो खुद नवदर से बनाती है नस्पति से, उसके बाद मुल्क की तकसीम। इसने मुल्क के अंदर मुसलमान की को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसके बाद शिवानी हिंदुस्तान में पंजाब में आग लग गई, मस्जिदें और कब्रिस्तान वीरान हो गए और आज तक वीरान है। दिल्ली उजड़ गया, ये मुश्किल हो गया था कि मुसलमान किस तरह अपने मजहब पर कायम रह सके शिवानी हिंदुस्तान में। और अब ये है कि बहुत से तबके थे बिरादरियाँ की मुसलमानों की जो अलहदुल्ला मुर्तद हो गई थी, और ऐसी बात बिरादरियाँ और गांव ऐसे हैं जो आज भी मुर्तद हैं। जाट भी ऐसे भी हैं कि जब ये सलमान ने अपना मिशन बना लिया था मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब मौलाना मजदूर साहब ये गांव दर गांव आज के हरियाणा में चंडीगढ़ की तरफ, उनका काम ही ये था कि जान हथेली पर रखकर मुसलमानों को इख्तदार से निकाल कर फिर ये तुलना की। मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे पहली तहरीक थी जिसको अल्लाह ने अपने फजल करम और अकाबिर के इखलास और इलाहियत की बुनियाद पर जमीयत उलमा का मकातिब के सिलसिले में एक दूसरा रुझान था सबाही और मसाई मकातिब का, यानी स्कूल का वक्त शुरू होने से पहले मकतब, स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद मकतब, यानी बच्चा स्कूल जाए तो ये उलमा ने यह कहा कि न जाए, स्कूल जाना जरूरी है लेकिन जाने से पहले अपने दीन की वाकफियत के लिए नमाज सीखने आलिम दीन की ज़रूरत है, तो बेहतरीन से बेहतरीन टीचर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, एजुकेट की भी ज़रूरत है। इसलिए वो ये चाहती थी कि अलबत्ता दुनिया की हर तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का होना भी ज़रूरी है और उससे पहले ज़रूरी है। जमीयत उलमा का नज़रिया उस वक्त भी यही था और आज भी यही है कि आप बच्चे को पहले ईमान सिखला दें, इस्लाम सिखला दें, नमाज सिखला दें, सूरह फातिहा याद करा कि दुनिया की तारीख के साथ हर मजहब की तारीख को भी बहुत ताकि वो और वो अपने मजहब की तारीख की बुनियाद पर लोगों की जेब न काटे कलमाडी की तरीके से और जयरक्षा के हाथों से 51 लाख करोड़ आदमी छोटा की जेब से काट करके और मुल्क को नुकसान पहुँचा करके अपनी जेब में न भरे, ये तभी हो सकता है कि उसके बाद दुनिया की तारीख के साथ मजहब। सर आप जमीते उलमा के बहुत वरिष्ठ हैं और अध्यक्ष हैं, ये मानते हैं कि देश में मुसलमानों को एक मोहरा बनाया जा रहा है, जिस तरह से सभी तमाम सियासी पार्टियां हैं उसको मोहरा बना के यूज़ कर रहे हैं? जी मेरे भाई, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, आप मुझसे क्यों सियासत का सवाल करते हो, मैं मजहबी आदमी हूँ। मजहब आप मानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी मजहब का आगे नहीं बढ़ सकता? कि शिक्षा हर आदमी के लिए ज़रूरी है, बगैर शिक्षा के तो आदमी की कोई कीमत भी नहीं है। अगर कुत्ते को सिखला देते हो
तो उस कुत्ते की कीमत कितनी बढ़ जाती है, नहीं सिखलाते तो कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है यार। चलो बनाओ जल्दी वीडियो। समझदार लोगों ने स्कूल बनाए और कहां से कहां पहुंच गए हमारे माशरे में भी ऐसे समझदार। Thank you.